अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, क्लास K2 लेक्चर 7, सब्जेक्ट इंग्लिश है। यूनिट नंबर 8, द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। रीडिंग, एक्सप्लेनेशन एंड डिक्टेशन करनी है हमने। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटिफुल वूमेन इन ग्रीस। कि एक दफ़ा का जिक्र है कि ग्रीस में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी। हर नेम वॉज कैलिस्टो, उसका नाम कैलिस्टो था। शी हैड अ सन नेम्ड आर्कस, उसका एक सन था, बेटा था उसका, जिसका नाम आर्कस था। शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विद हिम, वो बहुत ज़्यादा खुश थी उसका ध्यान रख कर और उसके साथ खेल कर। हाउएवर हर हैप्पीनेस वॉज नॉट गोइंग टू लास्ट, मगर उसकी जो खुशी थी वो बहुत देर तक नहीं रहने वाली थी और ख़त्म होने वाली थी। मैनी पीपल वर जेलस ऑफ कैलिस्टो, के बहुत सारे लोग जो थे वो कैलिस्टो से सड़ते थे, जलते थे। दे वेंट टू अ गॉडेस, वो एक देवी के पास गए एंड सेड टू हर, और उसको कहा, ब्यूटिफुल गॉडेस, खूबसूरत देवी, कैलिस्टो सेज, कैलिस्टो ने कहा है, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन यू, कि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। द गॉडेस वॉज फ्यूरियस, गॉडेस को बहुत गुस्सा हुआ और वह नाराज़ हुई। शी कर्स्ड कैलिस्टो, कर्स्ड मीन्स बदवा देना, उसने कैलिस्टो को बदवा दी एंड चेंज हर इनटू अ बियर, और उसको एक भालू में तब्दील कर दिया। कैलिस्टो हैंड्स एंड फीट चेंज इनटू पॉस विद शार्प क्लॉज, कि कैलिस्टो के जो हाथ पाँव थे वो जानवरों के हाथ पाँव में तब्दील हो गए थे और उसके आगे से लंबे लंबे और नोकीले जो थे वो नाखून निकल आए थे। हर स्वीट वॉइस बिकम अ सेवेज ग्राउल, और उसकी जो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी वो जानवरों की आवाज़ की तरह हो गई थी। सेवेज ग्राउल के जानवरों की आवाज़ जो होती है ना धाड़ने वाली, वो आवाज़ हो गई थी। हर माउथ वॉज फिल्ड विद टेरेबल टीथ, उसका मुंह जो था वो खौफजद नोकीले दांतों से भर गया था, खौफनाक दांतों से बन गए थे उसके जो उसका माउथ था। एंड हर डेलिकेट जॉस बिकम रफ़ एंड पावरफुल, और उसके इतने खूबसूरत जो जबड़े थे वो रफ, गंदे और ताकतवर जबड़े में तब्दील हो गए थे। द बिग ब्लैक बियर मूव्ड हैवीली टूवर्ड्स हर सन आर्कस, वो बड़ा सा काला बियर, भारी सा, अपने सन की तरफ बड़ा, मतलब अपने सन की तरफ बड़ी। शी थी, कैलिस्टो थी ना, तो वो लड़की थी तो वो उसकी तरफ बड़ी। ही स्क्रीम्ड इन टेरर, उसने खौफ से चीख मारी, स्क्रीम मतलब चीख मारना। देन द ब्यूटिफुल वुड फेरिस केम एंड रस्ट अवे विद आर्कस, फिर एक दम से ही खूबसूरत जो दरख्तों की परियां थी वो आईं और आर्कस को लेके भाग गईं। कैलिस्टो लुक्ड लाइक अ फिरोशियस बियर, बट शी वॉज वेरी स्टिल जेंटल एंड लविंग, जो कैलिस्टो थी वो बहुत ज़्यादा जालिम किस्म के बियर की तरह, भालू की तरह दिख रही थी, फिरोशियस जालिम, बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली और नरम दिल थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स, वो सारे भालुओं से डरती थी एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स, और बाकी जंगली जानवरों से भी। शी रैन अवे फ्रॉम हंटर, और वो शिकारियों से भागती थी एंड देयर डॉग्स टू, और उनके कुत्तों से भी। एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट, सबसे पहले जो वो भालू थी, भालू था, वो हट की तरफ गया, जो हट कहते हैं लकड़ी के घर को। वेयर हर सन लिव विद द वुड फेरीज, जहाँ पे उसका बेटा रहता था उन दरख्तों की परियों के साथ। शी वॉन्टेड टू लुक एट हर सन, वो अपने सन को देखना चाहती थी। एंड शी स्लेप्ट इन हिज लिटल बेड, और वो सोया हुआ था अपने छोटे से बेड पर। आफ्टर डेज द बियर कुड नॉट गो नियर द हट, कुछ दिन ऐसे गुजरे कि जो वो भालू थी वो अपने उस हट के करीब, उस घर के करीब नहीं जा सकी थी। मैन एंड डॉग्स वॉन्टेड टू किल, इंसान, आदमी और कुत्ते जो थे वो उसको मारना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते थे। सो शी वेंट फार अवे, और इसीलिए वो बहुत दूर चली गई। एंड हिड हिज हेल्पसर, और उसने ख़ुद को छुपा लिया था इन अ थिक फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगलों में, थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों में। डेज, वीक्स, मंथ्स केम एंड वेंट अवे, दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, और वो बहुत दूर चली गई थी। द सीज़न चेंज, मौसम तब्दील हुए, द बियर लिफ्ट अलोन एंड लोनली, और वो अकेली जो थी वो रहने लग गई थी उन घने जंगलों में। वन विंटर नाइट शी ड्रीम्ड ऑफ आर्कस, के एक रात, सर्दियों की एक रात थी कि जब उसने ख्वाब में
आर्कस को देखा, शी लॉन्ग टू सी हिम अगेन, उसने बहुत अरसा हो गया था कि उसको दोबारा नहीं देखा था। शी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम इन स्प्रिंग, उसने ये तय किया था कि वो बहार के मौसम में उसको देखने जाएगी। स्प्रिंग केम, बहार आ गई थी। द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन, और उसने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया था अपने बेटे को देखने के लिए। वन इवनिंग द बियर वॉज वॉन्डरिंग इन अ वुड, कि एक शाम को जो बियर थी भालू थी जो कैलिस्टो, वो दरख्तों में टहल रही थी या फिर रही थी। वॉन्डरिंग मतलब फिरना। सडनली शी सॉ अ हैंडसम यंग हंटर, कि अचानक ही उसने एक बहुत खूबसूरत और जवान शिकारी को देखा। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो, कि वो एरो से निशान, वो तीर से निशाना लगा रहा था एट अ बर्ड, एक जो परिंदा था वो बैठा हुआ था दरख्त की शाख के ऊपर, ऑन अ ब्रांच, दरख्त की शाख पे। इट वॉज आर्कस हर सन, ये इसका बेटा था आर्कस। द एरो मिस्ड इट्स मार्क, लेकिन उस तीर का निशाना जो था वो मिस हो गया था। द बर्ड फ्लू अवे, वो परिंदा उड़ गया था। सडनली अचानक आर्कस फेल्ट दैट, आर्कस को ऐसा लगा Someone was watching him, कि कोई इसको देख रहा है। He turned and saw a huge black bear staring at him, कि उसने देखा पीछे मुड़ के कि एक बहुत बड़ा काला भालू जो था वो उसको देख रहा था। He was afraid, वो डर गया था। The bear would kill him, वो भालू उसे मार देगा। So he put an arrow in his bow to kill it, उसने तीर से अपना निशाना लगाया कि वो उसको मार दे। द बियर वॉज साइलेंट, भालू बिल्कुल खामोश था। इट कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं रहा था। Then something happened, कि अचानक कुछ हुआ। Which united, जिससे मिला दिया mother and her son, कि जिस कुछ ऐसा हुआ कि जिससे वो दोनों माँ बेटे जो थे वो हमेशा के लिए मिल गए थे। Jupiter the father और of Arcus, Jupiter जो है वो नाम है father के अबू का, Arcus के अबू का, ठीक है। Look down from his palace, उसने अपने महल से नीचे देखा। He was shocked at what he saw, वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जो उसने देखा था। His son was going to kill his mother, उसका बेटा जो है वो अपनी माँ को मारने वाला है, कैलिस्टो को। Jupiter swept down, Jupiter नीचे गया, snatched कैलिस्टो, उसने कैलिस्टो को खींचा, snatch means खींचना, कैलिस्टो को खींचा। द ह्यूज ब्लैक बियर, बहुत ही बड़ा काला भालू जो था कैलिस्टो की सूरत में था, उसको उसने खींचा। एंड फ्लंग हर इन टू द नाइट स्काइज, और वो उसको रात के अंधेरे में लेके गुम हो गया था। Then he grabbed Arcus, और फिर उसने आर्कस को भी, आर्कस को अपने हाथों से खींच लिया अपनी तरफ। him into the darkness of the night sky, और उसको भी वो लेके रात के अंधेरे में गुम हो गया। Arcus become a little bear, और अचानक ही आर्कस जो था वो भी एक छोटा भालू बन गया था, next to his mother, उसकी माँ के बाद। द टू बियर्स चेंज इन टू स्टार्स, जो दो बियर्स थे, जो दो भालू थे, वो अब उसकी माँ आर्कस और उसकी माँ कैलिस्टो दोनों अब भालू बन चुके थे। द टू बियर्स चेंज इन टू स्टार्स, वो दोनों भालू जो थे वो तारों में तब्दील हो गए थे। कैलिस्टो इज़ नोन एज द ग्रेट बियर, कैलिस्टो को जो था वो बड़े भालू के नाम से पुकारा जाता, जाना जाता था। एंड आर्कस इज़ नोन एज द लिटिल बियर, और आर्कस को छोटे भालू के नाम से जाना जाता था। इफ़ यू लुक अप एट द नाइट स्काई, अगर आप रात के वक्त आसमान की तरफ देखें, यू कैन सी द शेप्स ऑफ द टू बियर्स आउटलाइन बाय स्टार्स, आपको दो शेप्स नज़र आएंगी बियर्स की जो सितारों से आउटलाइन दी होंगी। ये जैसे आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में, उन्होंने सितारों से बियर्स को आउटलाइन किया हुआ, इसी तो वो ये दिखाना चाह रहे थे। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीडिंग। नाउ वी विल डू द डिक्टेशन, मार्क द डिक्टेशन। अब फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है ग्रीस, इसको अंडरलाइन करें और ऊपर नंबर वन लिखें, ग्रीस। सेकंड हमारे पास लाइन है जिसको आपने अंडरलाइन करना है, शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विद हिम। सेकंड लाइन में है शी, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विद हिम, इसको अंडरलाइन करें, ये नंबर टू है। नाउ नंबर थ्री, सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में मैनी पीपल वर जेलस ऑफ कैलिस्टो, ये नंबर, सॉरी नंबर थर्ड लाइन में थर्ड वर्ड हमारे पास हैप्पीनेस है, पहले थर्ड वर्ड लाइन में थर्ड वर्ड है हैप्पीनेस। नाउ सेकेंड पैराग्राफ में
फर्स्ट लाइन है मैनी पीपल वर जेलस ऑफ कैलिस्टो. मैनी पीपल वर जेलस ऑफ कैलिस्टो. ये हमारा फोर्थ, ये इस आपने इसको अंडरलाइन करना लाइन को, और ये हमारा फोर्थ है, फोर नंबर पर है ये. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में है हैविली, ये नंबर फिफ्थ है, इसको अंडरलाइन करें और ऊपर नंबर फाइव लिखें, ये नंबर फाइव है. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. नेक्स्ट पेज पे सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में लाइन स्टार्ट हो रही है द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन, ये नंबर सिक्स है. द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन. आई रिपीट, द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन, ये नंबर सिक्स है. पैराग्राफ नंबर थ्री में लास्ट लाइन में है साइलेंट, इसको अंडरलाइन करें और नंबर सेवन लिखें. थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है साइलेंट, ये नंबर सेवन है. फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में वर्ड है हैपन्ड, इसको अंडरलाइन करें, नंबर एट है ये. और इसी पैराग्राफ की सिक्स लाइन में वर्ड है ग्रैब्ड, इसको अंडरलाइन करें, ये नंबर नाइन है. ये आपकी डिक्टेशन थी, आपने इसको डिक्टेशन को लर्न करके अपनी रफ कॉपीज पे करनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. अब हम अपना इंग्लिश बी का काम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर सेवन क्लास के टू. लेक्चर सेवन है, सब्जेक्ट इंग्लिश बी. ग्रामर ट्री के पेजेस करने हैं हमने 32 से 34 तक. और आपका होम टास्क है कि डू पेज नंबर 34 ऑन बुक, पेज नंबर जो 34 है वो आपने बुक पे एज अ होमवर्क करना है. ये हमारी बुक ग्रामर ट्री, और आज हमने इसका पेज नंबर 32 से 34 तक करना. आज हम टॉपिक नंबर 10 करेंगे वर्ब्स का, एम इज आर वॉज वर, के वर्ब्स में जो है वो एम इज आर वॉज वर जो है वो कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है. द वर्ब इज नॉट जस्ट अ डूइंग वर्ड, वर्ब जो है वो सिर्फ एक काम करने वाले अल्फाज को नहीं कहते हैं. अ वर्ब ऑल्सो टेल्स अस, के वर्ब हमें ये भी बताता है हाउ, कब और कहाँ, और व्हाट समबडी और समथिंग इज, कि कब और कहाँ पे कोई इंसान है और क्या कर रहा है. द वर्ब दैट आर वेरी ऑफन यूज टू टेल अस हाउ और व्हाट समबडी और समथिंग इज, मतलब वर्ड जो है वो हमें अमूमन ये भी बताता है कि कोई इंसान कहाँ पे है और क्या कर रहा है और किस वक़्त कर रहा है और किस तरह कर रहा है. समथिंग इज आर एम इज आर वॉज वर्ब के थ्रू, ठीक है. नंबर फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर उसामा, कि मैं अपने भाई उसामा से लंबा हूँ. तो एम जो है वो वर्ब है. एमन इज़ अ वेरी प्रीटी गर्ल, एमन जो है वो बहुत खूबसूरत लड़की है. तो इस वर्ब आगे इन्होंने हमें बताया हुआ है कि हम इस एम और आर किस तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज हॉट एंड ह्यूमिड यस्टरडे, कि कल बहुत गर्मी थी और हबस थी. ज़ारा एंड सायमा आर वेरी गुड फ्रेंड, ज़ारा और सायमा जो बहुत अच्छी दोस्त हैं, आर वर्ब. वी वर इन द गार्डन अ लिटल वाइल अगो, के हम लोग थोड़ी देर पहले जो थे वो एक बाग में थे. वर वर्ब आ गया है. नीचे उन्होंने हमें टेबल दिया हुआ है और बताया हुआ है कि प्रेजेंट एंड पास्ट में किस तरह हम जो है एम इज आर वॉज वर्ब को यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट में अगर एक सिंगुलर वर्ड होगा तो उसमें हमारे पास आई एम यूज होगा, अगर प्लूरल होगा तो वी आर यूज होगा. आई की जगह वी आ जाएगा और एम की जगह आर आ जाएगा. सिंगुलर है तो यू आर, और मैनी में भी यू आर. ही शी इट है, सिंगुलर है तो इज आएगा, और प्लूरल में दे है, ज़्यादा है तो आर यूज होगा. ही शी इट की जगह दे आ जाएगा और इसकी जगह आर आ जाएगा. ये प्रेजेंट टेंस में है. इसी तरह अगर हम पास्ट टेंस में सिंगुलर करेंगे तो आई वॉज आएगा, और प्लूरल में होगा तो वी आर आएगा. यू वर सिंगुलर में भी यू वर यूज होगा और प्लूरल में भी यू वर ही यूज होगा. इसी तरह ही शी इट सिंगुलर है तो इसका पास्ट टेंस में वॉज आएगा और प्रेजेंट टेंस में वॉज आएगा, और पास्ट टेंस में दे ही शी इट की जगह दे आ जाएगा और वॉज की जगह वर आ जाएगा. ये उन्होंने हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सो वॉज इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ एम एंड इज, के हम लोग पास्ट टेंस में एम और इज जो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, हम पास्ट टेंस में एम और इज की जगह वॉज यूज करते हैं, और आर की जगह हम लोग पास्ट टेंस में वर यूज करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? आई विल रिपीट,
कि हम प्रेजेंट टेंस में एम और इज यूज़ करते हैं और एम और इज की जगह पास्ट टेंस में वॉज यूज़ करते हैं, और इसी तरह प्रेजेंट टेंस में हम आर यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में आर की जगह हम वर यूज़ करते हैं। अब उन्होंने हमें आगे रूल्स बताए हुए, आर रूल अबाउट विच यू विल लर्न मोर इन हायर क्लासेस, कि बड़ी क्लासेस में आपको जो आपको रूल पता चलेगा इज़ दैट विद वर्ड्स दैट डिनोट, तो वही बात उन्होंने रिपीट की हुई है कि जब किसी सिंगुलर थिंग को हम डिनोट करेंगे, कोई एनिमल हो, थिंग हो या पर्सन हो, तो हम यूजुअली तौर पे एम इज़ यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में हम वॉज यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ के साथ। और इसी तरह अगर हमारे पास प्लूरल होगा तो हम उसमें जो प्लूरल में हम करेंगे यूज़ हम आर करते हैं और पास्ट टेंस में हम वर यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल वर्ब चूजन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स आफ्टर द ब्लैंक, कि हमें उन्होंने ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं जिसको हमने चूज करके अपने ब्लैंक में लिखना है। रीना डैश टू द सेम स्कूल दैट आई डैश, ब्रैकेट में उन्होंने फर्स्ट ब्लैंक के आगे ब्रैकेट में गोज या गो दिया हुआ है, तो आएगा रीना गोज टू द सेम स्कूल दैट आई गो, कि रीना उसी सेम स्कूल में जाती है जहाँ पे मैं जाता हूँ। नंबर टू है आई डैश वॉज वर, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगाना है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वन लास्ट ईयर, कि मैं क्लास वन का स्टूडेंट था लास्ट ईयर, तो पास्ट टेंस है तो वॉज आ जाएगा, आई सिंगुलर वर्ड है, तो आई वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास वन लास्ट ईयर। नंबर थ्री है टॉम डैश वॉन्ट या वॉन्टेड टू टेक पार्टी इन द प्ले, टू टेक पार्ट इन द प्ले, कि वो प्ले में हिस्सा लेना चाहता था, तो क्या आ जाएगा वॉन्टेड। नंबर फोर रेयान एंड रेम, दो बंदे आ गए, तो क्या आएगा दो बंदों के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है प्लूरल में आर, तो रेयान एंड रहीम आर फ्रेंड्स। नंबर फाइव देयर ज़्यादा है, तो ज़्यादा के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है आर, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, के मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं। किरण लाइक्स समर मोर देन विंटर, कि किरण को समर गर्मी से ज़्यादा सर्दी पसंद है, नहीं सॉरी किरण को गर्मी ज़्यादा पसंद है सर्दी से ज़्यादा। दे डैश टू स्विम इन द लेक, दे है तो लव सिंगुलर लव आएगा, दे लव टू स्विम इन द लेक, कि उनको नदी में तैरना अच्छा लगता है। Do you knows या know that our sun dash a star, क्या आपको पता है do you know that our sun, कि हमारा सूरज जो है वो एक सितारा है, तो is आएगा। Do you know that our sun is a star, sun singular है तो is आ जाएगा। We dash play या plays in the field near our houses, के हम अपने इर्द गिर्द के खेतों में खेलते हैं, तो we play in the field near our houses। Next हमारे पास है in most parts of Pakistan it dash rains या rains heavily during the monsoon, के पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में मानसून के दौरान बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। नंबर 11 इन विंटर द डेज डैश बिकम्स या बिकम आएगा, इन विंटर द डेज बिकम शॉर्टर एंड द नाइट्स लॉन्गर, कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। नंबर 12 ही डैश, ही सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ही वॉज अ लिटल नर्वस बिफोर द एग्जामिनेशन, कि वो अपने इम्तहानों से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था। अब पेज नंबर 34 है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपने घर में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स चूजन फ्रॉम एम इज आर वॉज एंड वर, के उन्होंने आपको वर्ब सूटेबल वर्ब्स दिए हुए एम इज आर वॉज वर्ब, आपने उनको चूज करके इन ब्लैंक्स में यूज करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू।